और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। लखनऊ में हुई हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने साफ किया कि इस हत्या के पीछे कोई आतंकी साजिश नहीं है, बल्कि 2015 में दिया गया कमलेश तिवारी का एक बयान था। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड का कनेक्शन यूपी के साथ गुजरात से भी जुड़ा है, जहां हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ हुई है और इसके आधार पर 2 और आरोपियों की पहचान हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। हम लोगों की जो सूचनाएं मिली और जो क्लू मिली, उसके आधार पर हमने अपनी छोटी छोटी टीमों को गठित किया और उन टीमों को हमने न केवल उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर उन टीम्स को और भी प्रगति लाने के लिए भेजा। शुरू से ही हमें ये आशंका थी कि इसके तार कहीं से गुजरात से जुड़े हुए हैं और हमारी टीम गुजरात भी पहुंची। और जब हमने घटनास्थल का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और जब उनका विश्लेषण किया, तो ये पाया कि मौके पर एक मिठाई का डब्बा और उसी के आधार का कुछ तकनीकी साक्ष्यों के तौर पर हमने कुछ महत्वपूर्ण सुराग पाए और उस डब्बे से जो भी हमें क्लूज मिले, हम लोगों ने तत्काल गुजरात पुलिस से, मैंने स्वयं गुजरात के डीजीपी से बात किया, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे एडीजी लखनऊ जोन, इन सबों ने तत्काल अपने अपने काउंटर पार्ट्स को गुजरात में संपर्क किया और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसको हम लोग हासिल करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को, 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है। जो 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनमें एक मौलाना मोहसिन शेख सलीम हैं जो सूरत के रहने वाले हैं, वो 24 वर्ष का आदमी है, ये साड़ी की दुकान पे काम करता है सूरत में। एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है, उसका नाम फैजान है, वो भी चिलानी अपार्टमेंट सूरत का रहने वाला है और वहाँ सूरत में एक जूते के दुकान पर काम करता है, उसकी उम्र 21 वर्ष है। और तीसरा जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है वो रशीद अहमद खुर्शीद अहमद पठान है, 23 वर्ष का ये संदिग्ध आदमी है। इसे कंप्यूटर के ज्ञान भी होना बताया गया है, लेकिन वस्तुतः ये दर्जी का काम करता है और वहीं सूरत में रहता है। इन 3 के अलावा हमने 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया, लेकिन उनको कुछ पूछताछ के बाद हमने छोड़ दिया है। ये 3 व्यक्ति जो हिरासत में लिए गए हैं वो श्री कमलेश तिवारी की हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित रहे हैं और 2 मुख्य अभियुक्त और भी हैं जो लखनऊ की इस घटना को कारित करने में सम्मिलित रहे हैं। उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास संयुक्त तरीके से और युद्ध स्तर पर की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया आज से अपने दर्शकों के लिए दिवाली धमाका कॉन्टेस्ट